हे एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों ने मुझे पोस्ट करे हुए हैं मेरे बहुत सारे वीडियोस पे, तो मैं उन सबका आंसर करने वाली हूँ। ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़े बहुत हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैंने एक NTPC पे सेक्रेटेरियल ऑडिट की आप लोग को रियल रिपोर्ट शेयर करी थी, एक्सप्लेन भी किया था मैंने कि कैसे होता है पूरा। ये वीडियो चाहो तो देख सकते हो जाके। इस पर किसी ने कमेंट किया है दैट हायर सेक्रेटेरियल ऑडिट फीस कितना हो सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज आपके ऑडिट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है आप फीस कितनी चार्ज करोगे। अगर कोई स्मॉल कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कंपनी पे तो सेक्रेटरियल ऑडिट होता ही नहीं है। सेक्रेटरियल ऑडिट होता किस पे है? अपने लिस्टेड कंपनीज़ पे। अब लिस्टेड कंपनीज़ की नेटवर्थ और टर्नओवर इतना ज़्यादा ह्यूज होता है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होता है, ठीक है। तो उनके एक जो ऑडिट होता है डिपेंड करता है कि जो ऑडिटर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल बिग फोर में कोई अगर ऑडिटर है उनमें से कोई भी एक, तो अब वो पूरे साल का ऑडिट एक बार में तो फाइनेंशियल ईयर एंड में नहीं करेगा ना जाके। इन सब के ऑडिट आपको क्वार्टरली बेसिस पे करने होते हैं, कभी कभी हाफ ईयरली बेसिस पे करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से सेक्रेटेरियल ऑडिट भी डिपेंड करता है कि कितनी बार विजिट करना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा क्वान्टिटी ऑफ वर्क है सेक्रेटेरियल ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए पूरा, ठीक है। और कोई भी PCS, बिग फोर तो नहीं होगा PCS में, वैसे हो भी सकते हैं, आई डोंट नो, कोई भी PCS जो होता है वही सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो वो कितने सीनियर हैं, वो क्या फीस, लेकिन ऐसा नहीं है आप एग्जॉर्बिटेंटली जितनी मर्जी 5-6 करोड़ चार्ज कर लेंगे, हो सकता है उतना भी चार्ज करते हो। डिपेंड करता है कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कंपनी का टर्नओवर, उसका कितना परसेंटेज आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है, जो सेक्रेटेरियल ऑडिट जो एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उन सब पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें ऐसे ओपनली तो नहीं डिस्क्लोज़ करी जाती हैं बिकॉज ICSI ने, जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का रेगुलेटर है, उसने भी अपने कुछ रेगुलेशंस ऐसे तो दिए हुए हैं जिसमें बोला है कि फीस बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिडेंटली नहीं आप चार्ज कर सकते हो। फीस ऐसी होनी चाहिए जो कंपेटिटिव हो आज के मार्केट में, और आपको एज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऐसा भी लगे कि आपको आपके काम का ड्यू भी मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने इससे रिलेटेड एक चीज़ सर्च करी थी जस्ट टू शो यू। सी, सो मिड साइज फर्म्स, SMEs, इनका तो ये सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है स्टैचुटरी ऑडिट या इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट जो भी है। तो इनके ऑडिट पर क्वार्टर 10 to 20,000 होती है, ये स्मॉल साइज कंपनीज की बात कर रहा है, ठीक है। और ये देख लो बैंक्स का क्या होता है, बैंक्स का क्वांटम ऑफ एडवांसेस पे डिपेंड करता है कि ऑडिट फीस पर ब्रांच कितनी होगी। सेक्रेटरियल ऑडिट टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं, इन सबको तुम लोग डिटेल में जाके खुद से रीड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हेलो मैम, कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी वारंट देने वाली है? तो ये मैंने शेयर वारंट्स पे एक वीडियो बनाया था, मैंने कंपनी इशूज़ शेयर वारंट्स, तो कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी वारंट इशू करने वाली है, वारंट देने वाली है? पता क्या चलेगा यार, उसमें तो कंपनी की साइट आपको फ्रीक्वेंटली विजिट करनी होगी। एज अ स्टेक होल्डर यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द कंपनी ईमेल्स, ठीक है। अगर तुम्हें कंपनी, वैसे वारंट्स आई डोंट थिंक वो पब्लिक के लिए होते हैं, कभी कभी करती भी है कुछ कंपनीज तो हो सकता है कि, वैसे IPOs बहुत ज़्यादा वो होते हैं, लाउड होते हैं, IPOs के बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं, वारंट्स के बारे में इतना कोई बात नहीं करता। सो तुम किसी भी कंपनी का एग्जांपल गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो और उसकी वेबसाइट पे जाके तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एक पब्लिक नोटिस या एडवर्टाइजमेंट देती है, उसमें पता चल जाता है जो न्यूज़पेपर में आता है, जिसे कोई नहीं रीड करता। जो स्टेक होल्डर है जो उस कंपनी में इंटरेस्टेड है सिर्फ वही लोग उसे रीड करते होंगे, अपर में नॉर्मल लोग तो मोस्टली नहीं रीड करते हैं इतना कि कौन सी कंपनी वारंट्स इशू करने वाली है, उसका टाइम क्या, एंड ऑल दैट सब मैंशनड होता है, ठीक है। अब मैंने CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस को एक्सप्लेन करता हुआ एक वीडियो बनाया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ, ये वीडियो तो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया बिकॉज CS प्रोफेशनल का नया सिलेबस आ चुका है, नया स्टडी मटेरियल आ चुका है। पहले होते थे 9 exams, अब वो कम करके कर दिए गए हैं सिर्फ 6 exams, ठीक है, प्रोफेशनल में। और 9 से भी पहले होते थे 12 exams, और 12 से पहले कितने होते थे भैया, आई हैव नो आइडिया, मुझे ज़रा जाना भी नहीं है, ठीक है। एनीवे, इन्होंने क्या पूछा है, मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन पासिंग क्राइटेरिया ऑफ न्यू सिलेबस ऑफ CS एग्जीक्यूटिव। ओके, मैंने प्रोफेशनल का बनाया था, इन्होंने बोला है एग्जीक्यूटिव का भी दो। ओके, आई विल ट्राई। सी, 7 days ago उन्होंने पूछा, मुझे आज टाइम मिला है रिप्लाई करने का, आई विल ट्राई टू डू इट। मुझे खुद से एक बार जाकर देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव में क्या है, क्या नया है, एंड अकॉर्डिंगली आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। प्रोबेबली अगर मैं आज करूँगी तो शायद कल तक मैं वीडियो डालना
डालने का ट्राई कर सकती हूँ। एक बार ज़रूर चेक कर लेना अगर मैंने डाला हो कल, देखते हैं। ओके नेक्स्ट है, आई विल टेक GST एंड IPR। ओके, इन्होंने ये इसलिए बोला है बिकॉज मैंने अपने CS के इस वीडियो में बोला था कि टैक्स को ऑप्शनल कर दिया है, टैक्स को CS प्रोफेशनल में ऑप्शनल कर दिया है। आप बहुत सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से टैक्स को चूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये बोला था कि बहुत सारे बच्चे अब तो टैक्स चूज़ ही नहीं करेंगे बिकॉज वो एग्ज़ाम पास करने का सोचेंगे, सोचेंगे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी पास हो जाए, टैक्स तो जो CA कर रहा है वो देख ही लेगा, हम क्यों टैक्स देखें। तो लेट मी टेल यू, टैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी GST, बिकॉज मैं खुद CS करने के बाद, इवन CS करते करते भी मैंने अपने ही फ्रेंड्स एंड फैमिली के कितने लोगों का, जो लोग स्मॉल प्रोप्राइटर्स हैं उनका GSTR मैं खुद ही मंथली बेसिस पर फाइल करती आ रही हूँ, और अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। और वो सारी चीज़ें अगर थ्योरेटिकली भी एक बार पढ़ी हुई हो तो प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। और अगर तुमने थ्योरेटिकली ही टैक्स को निगलेक्ट कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने टैक्स को निगलेक्ट कर दिया तो फिर CS बनने के बाद भी तुम्हें, मतलब तुम्हारे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगी, सिर्फ वो कंपनीज एक्ट, सेवी लॉ, यही तुम्हें पता रहेगा। टैक्सेशन इज़ ऑल टुगेदर अ टोटली डिफरेंट एवेन्यू, और तुम्हें उसके बाद उससे तुम्हें डर लगने लगेगा। मैंने ये सब बोला था उस वीडियो में। तो मैंने लोगों को सिर्फ सजेस्ट किया कि आप टैक्स चाहो तो मत इग्नोर करना, बिकॉज मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स टैक्स में ही आए थे। ठीक है, टैक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो उसका न्यूमेरिकल्स इजी भी होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और न्यूमेरिकल अगर सही है तो आपको 100% मार्क्स उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें कोई मार्क्स कटते नहीं हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला था, आई विल टेक GST एंड IPR। इसने ये चीज़ अग्री करी स्टूडेंट ने, इसने बोला विदाउट द नॉलेज ऑफ टैक्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वर्क इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सही बात है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आपको लेंगे नहीं बिकॉज वो कहेंगे कि आपको टैक्स की तो कोई नॉलेज ही नहीं है। आपको टैक्स की जब नॉलेज नहीं है तो आपको कोई भी जो भी इंटरनल हेड्स होते हैं फाइनेंस के एंड ऑल दैट, वो आपको पेपर्स पकड़ा देंगे कि लो इसमें कैलकुलेशंस करिए मर्जर्स के, या फिर जो भी है वो करिए अब आप, तो आपको तो वो समझ में ही नहीं आ रहा, आप तो देख के डर जाएंगे उसको। तो बस मैंने यही बोला था एंड शी अग्रीड विद मी, ही और शी, इन्होंने मुझसे अग्री किया। एंड मेरा तो अभी भी ये सजेशन है, बट लोग अगर सिर्फ एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तब भी मैं बोलूँगी टैक्स इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, टैक्स इज़ एक्चुअली वेरी नेसेसरी। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तब तो ईजी हो जाएगा, बट उसके अलावा जो भी ऑप्शन हैं आई डोंट थिंक वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाएंगे, वो मत चूज़ करना। एनी वे, लास्ट कॉल तो फिर आप ही लोग का होता है। एनी वे, सो दैट्स इट, यही कुछ क्वेश्चन थे, मैं उससे इनका आंसर करती हूँ एंड एग्जीक्यूटिव का कोशिश करूँगी लाने का। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे ट्यून्ड, बिकॉज मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं रिलेटेड टू रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर में आजकल एक वैकेंसी चल रही थी रीजनल डायरेक्टर में, कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनी की, नॉट इवन ट्रेनी, दे वॉन्टेड कंपनी सेक्रेटरीज टू लर्न कि रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में होता क्या। तो मैं वहाँ फिजिकली जाके मैंने विजिट किया था, मेरी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग सब कंप्लीट हो चुका है, मैं फ्रेशर CS ही हूँ, ठीक है, सब कंप्लीट हो चुका है मेरा। बट मैंने जाके विजिट किया एंड वहाँ पे पूरा क्या हुआ, मैं जॉइंट रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ रीजन के साथ थी, वहाँ पे दो लोगों ने इंटरव्यू किया मेरा, एंड वहाँ पे थ्रू आउट क्या हुआ, उन लोगों ने क्या क्वेश्चंस पूछे एंड कैसा एनवायरनमेंट था एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या थी, वो सब डिस्कशन किया हमने, एंड उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगी। सो ट्राई टू वॉच दैट। ओके, थैंक यू सो मच।